हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमृत वाणी वर्ल्ड। मैं हूँ अमृत और आप देख रहे हो एक और नया व्लॉग। सो गाइस, अभी शाम के मतलब रात के 9 बज रहे हैं और इतनी रात को मतलब व्लॉग स्टार्ट करने का एक मोटिव है, जो कि है कल होली है, तो आज होगा होलिका दहन, तो आपको दिखाऊंगा। तो मैं पापा के साथ अभी होलिका दहन देखने जा ही रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी साथ में लेके चलूं, तो आप भी देखिएगा हमारे यहाँ पे कैसे होलिका दहन होती है और कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होती है या आपके यहाँ अलग तरीके से होती है। सो गाइस, अब चलते हैं। सो गाइस, अब बाइक पे बैठ चुके हैं, तो अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी यहाँ पे होलिका बनी हुई है और कैसे कैसे वो दहन हो रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने चौराहे वाली पे, उसके बाद स्टेशन वाली पे जाएंगे, तो अलग अलग पे जाके एक बार देख के आएंगे। और बहुत ही बढ़िया गाने चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज, ये है दूसरी होलिका जो कि स्टेशन की साइड में है, पर यहाँ पे इतनी रौनक नहीं है, हमारे वो चौराहे पे तो बहुत शोर मच रहा था। और ये देखिए, ये है हनुमान मंदिर वाली जो यहाँ पे होलिका उन्होंने बनाई है। तो गाइज, ये है होली चौराहा, इसका नाम ही होली चौराहा है। ये देखिए, losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last, try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restless. So guys, पूरे साल में एक होली का ही त्यौहार आता है जिसमें आप कुछ भी पहन के घूम सकते हो, कहीं भी डांस कर सकते हो और कहीं भी मतलब कुछ भी कर सकते हो, और आपको मतलब कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई भी विग पहन लो। तो ऐसा ही होता है होली के त्यौहार में, और कैसा भी मेकअप कर लो तो किसी को कोई वैसे तो फर्क पड़ना नहीं है, सबको पता ही है होली का त्यौहार में तो ऐसे ही मेकअप करते हैं। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं अलग अलग, होली का दहन देख रहे हैं, तो अभी तो कुछ। हाँ, ये देखिए, ये भी एक होली का है। सो गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी कोई होली का दहन नहीं हो रही थी, उसका तो लेट का मुहूर्त है, तो अभी तो खाली वो मतलब लगी हुई थी लकड़ियाँ वहाँ पे, तो वो तो शायद 1 बजे के करीब का है, तो लोग अभी डांस ही कर रहे थे, तो मैंने आपको वो वीडियोस आपको दिखा दी है कैसे कैसे लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही फनी डांस कर रहे थे। और हम लोग तो खाली घूम के आ गए, क्योंकि इतनी देर तक तो हम वहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें कल भी थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मज़ा करना है, तो अब हम कल ही मज़े करेंगे। और कल आप देखिएगा, कल होगा यहाँ पे आतंक, और कल हमारा होगा मेकअप, फिर हम भी बनेंगे भूत, फिर अब कल का इंतज़ार है बस, कल पता नहीं कैसे आएगी पर जल्दी से आ जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल। 3, 2, 1 हैप्पी होली। सो गाइस, हैप्पी होली टू यू ऑल। और अभी मैं आपको सुबह का टाइम बताता हूँ, तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं उठ के अभी छत पे आ गया था, क्योंकि आज मुझे भाभी के साथ मतलब भाभी लोग के साथ तुषार भैया के साथ वदान है इन सब के साथ ना आखर डालने जाना है, तो मैं छत पे आ गया कि अभी वो लोग निकले हैं नहीं ये देखने के लिए। और छत पर मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है आज का। और हैप्पी होली टू यू ऑल एंड योर फैमिली। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आज नहाना तो है नहीं, नहाएंगे दोपहर के बाद जब पूरे रंग रंग से पुत के भूत बन के आएंगे। तो अभी जब पापा उठेंगे, अभी तो अकेला मैं ही उठाऊँ घर में, जब पापा लोग उठेंगे उसके बाद में हमारा मेकअप होगा और उसके बाद में हम होली खेलेंगे और आपको दिखाएंगे। और आज तो भाभी के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी बड़े बड़े डीजे ले आए हैं, तो अब वहाँ पे भी गाने चलाएंगे और वहाँ पे डांस करेंगे। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं चौराहे पे, तो अब आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं, खाली हुआ पड़ा है पूरा। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it. So guys, ये है कच्चा गेहूँ, जिसे आखर कहते हैं ना? आखत कहते हैं। और यही हम जो होली का दहन हो जाती है और सुबह उसके चारों तरफ घूम के इसकी बालियाँ उसके अंदर डालते हैं और
ये जो चीज़ है इससे उसकी राख उठा के लाते हैं। ये से एक ही बात है, सेम चीज़ है। आइए देखिए, अभी इसे थोड़ा सा चला रहे। ये है होलिका की एशेस। तो अब हमें भी ये मिल चुका है, तो अब इसे डालना शुरू करते हैं। और हमारे बाबा। तो अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। ये देखिए रंगोली के ऊपर जो अभी आग लाए थे होलिका की, वो रख दी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसेस चलता है पूजा का। सिस्टम जो कि आज बजने वाला है, ज़ेब्रोनिक्स के टावर। और अभी फोन से कनेक्ट होके फिर चलेंगे। तो गाइस ये देखिए मील आ चुका है, इसमें नमकीन है, अंगूर, गुजिया, और ये देखिए आगे संतरा, और ये है अंगूर खाने वाले लोग। आपको आवाज आ रही होगी पता नहीं, क्योंकि ये चल रहा है। वाली है पबजी की। तो अब इससे हमारा होगा मेकअप, इसका थोड़ा सा हो चुका है, इनका भी होना है और हमारा भी होना है। ये हमारे आर्टिस्ट। Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. वरदान का मेकअप ऐसा हुआ है, इधर देखा। ये देखिए अभी स्टील मैन आ चुके हैं और इधर से गोल्डन मैन आ चुके हैं। तो अब मेरा मेकअप होने जा रहा है। ऐसे ऐसे कर दो बीच में नीचे ऐसे ऐसे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. So guys, अब हम लोग का मेकअप हो चुका है। वरदान की खाली नोज सिल्वर है, वो पूरा गोल्डन है। मेरा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गोल्डन है, नीचे वाला सिल्वर है, और इनका आधा गोल्डन है आधा सिल्वर है। और मेरे बालों की तो बहुत ही अच्छी बैंड बजी हुई है,
और अब नहीं लगेगा इस पर पक्का रंग, लग भी गया तो छुट जाएगा। तो अब घर चलते हैं, आइए देखिए। ओए रुक, पीछे से दिखा, पीछे से इसके हाँ पूरे हाथ हूँ छपा दिए। तुम्हारे भी दिखा दे, हमने छापा था, ये देखिए। हाय हाय हमारी हालत आप देख रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ पापा के साथ
शहर में घूमने, तो वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे लोग अभी तक हुए हैं उनका हाल, और लोग हमें देख के क्या रिएक्शन देते हैं, तो अब वो देखने चलते हैं। गाइस हैप्पी होली, और मैं डॉक्टर एम त्यागी, आई मीन मेरा साला है और सारे लोग एंजॉय लो, खूब लाइक करो छोटे भाई का, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हैप्पी होली, और फिर से पानी डाल दिया। तो अभी तो सब ये चढ़ाया हमारा सुनसान पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग ही है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, ये है होली, ऐसे खेली जाती है। कपड़े सबके अजीब से फटे पड़े हैं। सो गाइस अब मैं नहा चुका हूँ और नहा के मैं रेडी भी हो गया हूँ, और अभी भी थोड़ा थोड़ा शेड रह गया है वो पिंक कलर का, वो सफ़ेदे के अंदर भी थोड़ा सा चला गया, जैसे गुलाल लग के जब वो हाथ लगा या पानी से मैंने धोया तो वो थोड़ा सा उसका कलर अंदर भी चला गया था। तो अब ये इसका थोड़ा सा शेड रह गया है, बाकी सारा कलर सब मतलब पूरा हट चुका है, और सिर्फ हाथ की ये नेल्स और ये हथेलियाँ बस इन्हीं पर रह गया है। और आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बूम।